हेलो एवरीवन, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले हम तीन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है कॉमन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा हेल्पिंग वर्ब। इस स्लाइड को आप ध्यान से सुने, आगे आपके टेंस को क्लियर करने में ये काफ़ी मदद करेगा। पहला है कॉमन, इसको ध्यान रखें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी मींस ये चाहे कोई भी वाक्य हो, चाहे वह एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सभी में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। तो एक कॉमन को आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सेकंड टॉपिक है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हु आता है तो इससे हमें पता लग जाता है कि वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तीसरी हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। इसमें हेल्पिंग वर्ब तीन यूज होते हैं, इज, एम, आर। इज के आखिरी में एस आ रहा है तो इस सिंगुलर के साथ यूज होता है, ही, शी, इट। एम हमेशा आई के साथ यूज होता है और आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। आगे हम एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम इन शॉर्ट SHVOB कहते हैं। अब रूल फर्स्ट पे ध्यान दें। रूल फर्स्ट क्या कहता है? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में जैसे राम पेन आ गया तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना था तो इसमें क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने ही इज यूज़ किया। और उसके बाद आपका स्ट्रक्चर कहता है कि वर्ब लगाएं तो यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। मैंने कॉमन में आपको बताया था, आपको ध्यान रखना है था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब में हमने लिखा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना था जो कि हम लगा रहे हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल बनता है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें राम आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपका वर्ब है और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी में इसका अनुवाद बनता है, राम क्रिकेट खेल रहा है। मैंने आइडेंटिफिकेशन में आपको बताया था कि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आए तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो यहाँ पर रहा है आया है तो इससे हमें पता लग गया कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। रूल सेकंड आई के बारे में है। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब में एम जो है आई के साथ आता है तो यहाँ हमने आई के साथ एम यूज़ किया और उसके बाद जो कॉमन लगाना था वो हमने लगाया फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप ध्यान से देखें, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर बता रखा है, सब्जेक्ट में आई आ गया, हेल्पिंग वर्ब में हमने एम यूज़ किया, वर्ब में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ किया, ऑब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा एक एग्जांपल बनता है, वो है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसमें आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग आपका वर्ब, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट। वाक्य का अनुवाद बना, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन आपको पहली स्लाइड में मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी। आइडेंटिफिकेशन में बताया गया था रहा हूँ, जिस वाक्य में रहा हूँ आता है वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। रूल थ्री भी क्या कहता है, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में जैसे पेंस हो गया या काइट्स हो गए या कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, जो भी है प्लूरल मीन्स बहुवचन जो भी होगा उसके साथ आप आर को यूज़ करेंगे और आर के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप वही चीज़ स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद आपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका है कॉमन में है और इसी कारण मैंने ये कॉमन को दर्शाने के लिए इसे एक अलग कलर से आपको डिनोट कर रखा है। अब सभी चाहे रूल फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उन सभी में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कॉमन के फॉर्म में आ रहा है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है।
रूल थ्री के अकॉर्डिंग हमने एक वाक्य बनाया है। वाक्य पे ध्यान दें, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब, क्रिकेट इज योर ऑब्जेक्ट। वाक्य का अनुवाद बनता है हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और रहे हैं क्या बताता है, आइडेंटिफिकेशन के अनुसार कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है, इसमें एक नई चीज आ गई, दैट इज नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपको इस बार हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब बताया था फर्स्ट स्लाइड में, इज एम आर आता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इस बार इज नॉट हो जाएगा, एम नॉट हो जाएगा और आर नॉट हो जाएगा। और उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब में मैं आपको कॉमन बता चुका हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी आपको लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब आगे हम रूल फर्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस के रूल फर्स्ट की बात करते हैं। तो ही शी इट सिंगुलर नाउन आपने लिखा, और इसके बाद इज नॉट लिखा। इज नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी जो कि कॉमन है, देन द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बना, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अनुवाद बनता है राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। रहा है ऐसा हमें पता लगा कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। रूल टू, रूल टू आई का है, तो आई के साथ मैं पहले ही बता चुका हूँ स्लाइड फर्स्ट में कि आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने नॉट यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमने कॉमन लगाया है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी लगाना है कॉमन, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बना हमारा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। रहा हूँ से पता लगा कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। रूल थ्री नेगेटिव सेंटेंस का, ये प्लूरल से रिलेटेड है, बहुवचन से रिलेटेड है। वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आप लोग आर यूज़ करेंगे, आर नॉट यूज़ करेंगे। नॉट, आर नॉट इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और इसके बाद कॉमन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो इसलिए आप लोग हमेशा वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उदाहरण इस रूल थ्री के अकॉर्डिंग जो उदाहरण बनता है वो इस तरह से है, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका अनुवाद बना हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। रहे से हमें पता लगा कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आया है। एस एच वी ओ मैंने बताया था, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ चुका है और बाकी सारी चीज़ें पीछे खिसक चुकी हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं, इसलिए हम इन सेंटेंस में आखिर में क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी वाक्य आप इन रूल से बनाएंगे उनके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जिससे कि पता लगेगा कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। रूल फर्स्ट क्या कहता है, अब स्ट्रक्चर को देखें, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाना था तो इसलिए आपने इज हेल्पिंग वर्ब लगाया। ही शी इट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जो ही शी इट जो है वो सिंगुलर में आता है और सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी लगाया जो कि कॉमन है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बना, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ इज का अर्थ यहाँ पर क्या हो चुका है, जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आता है तो हेल्पिंग वर्ब का अर्थ यहाँ पर क्या बन जाता है। तो ये वाक्य हुआ क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। रूल टू, एम जो है वो हमेशा आई के साथ आता था, एम और उसके बाद आई लगाया, उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी यूज़ किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बना, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अनुवाद होता है क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। रहा हूँ से पता लगा कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। रूल थ्री जो कि प्लूरल से रिलेटेड है, प्लूरल में हम आर यूज़ करते हैं तो इसलिए सबसे पहले हमने आर लगाया, उसके बाद वी, यू, दे प्लूरल नाउन,
इसके बाद फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इस रूल को यूज करते हुए हमने एग्जांपल लिखा, आर वी प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, इसका अनुवाद बनता है क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। रहे हैं से हमें पता चला कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन सो दैट इट विल हेल्प यू अस टू मूव फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब अस सो दैट यू कैन वॉच मोर एंड मोर वीडियोज फ्रॉम अस। थैंक यू।